करदे गए खुशामदी लोग ध्यान देना। धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह को खबर लेके आया सूईया कहिंदा हजार क सूरमा ते हजार क ही उन्हां कोल शस्त्र होना कहिंदे फिर की करनगे की सलाह उन्हां दी कहिंदा सच दसां जी कहिंदे हां कहिंदे तुहानूं उड़ीकदे ने उड़ीकदे ने तुहानूं बड़ी उन्हां च वीर रस उन्हां च बड़ा ध्यान दे साध संगत जी हुण मेरा कसूर ना कढ़ियो अद्धा तुसीं जकारियां च ला रहे हो अद्धा फिर मैं ला रहा उन्हां ही तुसीं भी ला रहे हो नाल फिर कितें कह दो बाबिआं ने लेट कर दिता ध्यान दिओ ओ कहिंदे फिर हुण किवें करिए दस कहिंदे भी मेरी सलाह ते आ इत्थों ही पिछे मुड़ जाओ लाला बेग नूं कहिंदा इत्थों ही मुड़ जाओ पिछे कहिंदे क्यों कहिंदे चले ओ दो घोड़े लैण वास्ते जिन्ने तुहाडे कोल ने सारे खवा के आ जाओ खवा के आओगे सारे वो कहिंदे ओ इहने माया लई आ उहनां तों जां तां करके उहनां दी तरफदारी करदा जेल च बंद कर दिओ हसन बेग नूं जेल च बंद कर दिता बड़ा दुखी कहिंदा उत्थे सच बोलिया दुध घिओ मिलिया इत्थे सच बोलिया जेल मिल गई हाथ जोड़ के कहिंदा छेवें पातशाह मैनूं पता है सच दे कदरदान केवल ते केवल तुसीं हो उत्थे भी लाज रखी सी हुण वी रखो तुहाडे कहे ते सच बोलिया मैं ते फस गया जेल च बंद करता मैनूं कृपा करो अर्ज कीती इहनें ते छेवें पातशाह फिर पहरेदारां दे मन उत्ते बह गए जाके वस गए ऐसी कृपा कीती पहरेदार आए कहिंदे हसन खां तूं किवें अंदर ड्यूटी बदली दिने पहरेदार होर सां रात नूं होर आ गए कहिंदे भी इदां करके मैनूं कैद करता कहिंदे जो मर्जी हो जाए तूं सच बोलिया लै तेरे पिछे तैनूं रात नूं 2 बजे छड्ड देंगे फिर इतिहास दसदा 2 बजे रात नूं हसन खां नूं छड्डिया घर नहीं गया सीधा ही महाराज के चरणों च पहुंचा छेवें पातशाह के चरणों से मत्था टेकिया कहिंदा सच्चे पातशाह बड़ी कृपा की महाराज कहन लगे हसन खान सच तू इत्थे बोलिया तेनू छड़ दिता उस व्यापारी ने कूड़ दे उन्होंने सच चंगा नहीं लगता इस करके कोई गल नहीं उन्होंने तेनू जेल च बंद कर दिता पर हुण सच ते अड़िया रही सच ते खड़िया रही ए इलाके का सरदार ते चौधरी मैं तेनू बनावांगा खुश हसना सच दे कदरदान सतगुरु साडे अंदर सच होवे बाजां वाले आप लैण आउण गया जा सिखा सचखंड चलीए सचखंड पर नितनेम है नहीं रौला पाई जाने बंदगी है नहीं घालना है नहीं सच नहीं बस झूठ दा ही बोल बाला बहुत है ते सत्संग सच काल कूड़ वरतिया कल का लख बेताल यह हाल हो गया ते ध्यान देना सात संगत फिर आया लाला बेग चढ़ के जो आख्या सी हसन खान सूईए ने उदा ही होया 35,000 फौज लेके आया हजारा मरे सतगुरां दे सेवादारां दे विचों भी 250 शहीद होया 250 हजार चो ते जित गुरु हरगोबिंद साहब दी होई लाला बेग आया सी घोड़े लैण वास्ते घोड़े खुहा के जाना पिया ते जदों वापस मुड़िया ते महाराज ने फिर हसन खान नूं बुला के ओ इलाके दा सरदार ते चौधरी कह लो बनाता खुसतना सच दी कदर कीती है सी सूई उहनां दा पर महाराज ने कृपा कीती गुरमुखो जिहड़ा सच पल्ले होवे ना जिहदे सतगुरु उहदी कदर करदे ने सतगुरु करदे ने ते सतगुरां दे प्यारे गुरमुख भी करदे ने संगतां भी करदियां ने जे सच पल्ले होवे ते जिहड़े झूठ दे व्यापारी ने जिहड़े कूड़ दे व्यापारी ने उन्होंने सच की कदर नहीं उन्होंने सच नहीं वेखना उन्होंने क्वालिटी नहीं वेखनी उन्होंने बस वेखना भी रौला रप्पा जिधर नूं है उसे पासे हो जाओ सो सच दे व्यापारी बनीए ध्यान देना पल्ले सच बनीए ते सत संगत जी धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने लंगर चलाउण वास्ते जिहड़ा लंगर प्रसाद छकने आ 20 रुपए का लंगर चलाया ते पिता कल्याण दास मेहता जी दीआं चपेड़ां भी खाधीआं ते राय बुलार भी ते हमायत विच खड़ा हो ही गया सी महाराज जी राय बुलार ते अज सच ते खड़ जाओ जे साध सिंह जी लोकां दीआं फटकारां रूपी चपेड़ां भी खाणीआं पै जाणगीआं लोकां दे बोल कबोल भी सुनने पै जाणगे कोई गल नहीं अनेकां राय बुलार सच दे व्यापारी तुहाडे हमायती भी खड़े हो जाणगे आखो सतनाम सच दे कदरदान भी हुंदे ने संसार च सारे इक्को जिहे नहीं सो इस करके महाराज ने कृपा की है ते दूरों नेड़े पहुंच के संगतां ने लाहा प्राप्त किया जरूरी बेनती संगत दे चरणां च है ਲਈ ਚਲੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂਭੋਗੇ ਕਿੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ
दसवें पिता दी खुशियां च लैणी, सलवाओ लै लो खुशियां फिर पढ़ लेने ध्यान दियो। ये हरेक थां ते कहणगे पढ़ो जी खुशियां च लैणियां। चलो इन्हां नूं इहदा फायदा यह आ कि अज भी यह 100 प्राणी अमृत वास्ते लैके आए ने। आखो सतनाम हुण इन्हां नूं यह हुंदा भी इहदे नाल प्रेरणा मिल जांदी है, ठीक है भी आनंद है। जे धारना पढ़न नाल किसे दा जीवन बन जाए, मैं तो कहना सारी जिंदगी पढ़ाउंदे रहो तां वी कोई गल नहीं, यही पढ़ते रहिए, तुसीं मन्नण वाले बनो धारना प्यार विच सारे। सो अर्ज कर रहे असां सच दे व्यापारी बन। जरूरी बेनती है जिन्ना चिर महाराज इत्थे ने ना उन्ना चिर किसी ने उठ के नहीं जाना। यह संगत के चरणों च जरूरी बेनती है, पंजा चारा मिनटा च समाप्ति हो जानी। माया नहीं कट्ठी करनी किसी ने, बेनती प्रवान करो भैणा के चरणा चर्ज करांगा, भैणा नूं भी ते वीरां भरावां नूं भी। बई जिहड़ी कीर्तन भेटा स्टेज ते आउंदी आ इहदे ते भी कई कहिंदे लो जी उत्थे कई मत्था टेक दिंदे आ ते कई कट्ठी करदे आ, इहदे ते भी इतराज करदे आ। तुसीं आ रहिण नहीं दिओ, माया ना कट्ठी करो संगत विचों। ध्यान दिओ 14-15-16 फरवरी दे दीवान शहर नकोदर विच ने, 25-26-27 मार्च दे दीवान शहर कपूरथला विच हन। संगत पहुंच के लाहा लए, 27 मार्च का मीरथल पठानकोट के नेड़े 1-4 दीवान दुपहर का इको दीवान है, जिथे कितने पता लगे पहुंच के हाजिरी भरो लाहा प्राप्त करो। सो एक होर बेनती है, जिथे जिथे संगतां ने भैणां नूं बेनती मन लो बेनती, जिथे खलोतियां इत्थे बह जाओ भैन जी, बैठ जाओ सारियां, माया ना कट्ठी करो बैठ जाओ, क्योंकि एक कल पता लगा कुछ प्रेमियां दा। मैं इधर ब्रह्मवाल गया सा, उत्थे कल संगत नूं पता लगा, कहिंदे कई बंदे 4-5 इदां आए सारा दिन फिरदे रहे, जदों रात दा दीवान होया ते उह वी लग गए नाल ही, फिरदे रहे बाहर नूं निकल गए, बाहर दी करदे 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 बाहर ही चले गए, उह फिर आए ही नहीं विच। फिर इदा भी कम करते रहे, माया कट्ठी नहीं होगी कोई गल नहीं, पर उन्हें वास्ते तो जहर बन जाएगी। जे वह इदा के 5-4 खड़े होकर बिचों लग जाते हैं, उन्हें वास्ते माया ही जहर बन जाती है। चलो ये माया कट्ठी करो ही ना, सत्संग जी ध्यान देना। कई लोग इतने हुण मैं कल अर्ज की संगत के चरणों में भी कई इदा का प्रचार करते हैं जी, इन्होंने कलगी लाई जी, इन्होंने आखे जी मत्था टकाया। मैं कल भी एक अर्ज की ध्यान दौ, स्टेज उत्ते इत्थे हुण मूवी वाला कैमरे वाला एक पिछे खिलार दिओ, 500 जना इत्थे जदों भेटा लेके आएगा ना, भेटा 500 ते कहिंदिआं कहिंदिआं सेवादारां दे रोकदिआं रोकदिआं उहनां 500 दे विच्चों 10 उह होणगे जिहड़े इत्थे मत्था टेक देणगे। ते बना लो वीडियो, लोकां च प्रचार करो, आ वेखो जी गुरु साहिब ग्रंथ साहिब महाराज दी हजूरी विच ही लोक इहनां नूं मत्था टेकी जांदे आ, तो जिहड़ा बाकी 500 आया वह नहीं किसी ने वेख्या। इदां कई लोग प्रचार करते हैं, आ वेखो जी ये जे हुण 500-700 बंदा आया उहदे विचों 5-4 धक्के नाल सेवादारां दे रोकदिआं नेड़े चले गए, उहनूं इहनां ने प्रचारना। ध्यान देना गुरद्वारा परमेश्वर द्वार साहिब जाण वाली जिन्नी भी संगत है उहनां नूं इस गल का पता है भी उत्थे सेवादार 10 खलोते हुंदे आ जिहड़े बार बार रोकदे आ मत्था नहीं टेकणा। बार बार जिन्नी संगत परमेश्वर द्वार गई है उन्होंने पता है कि 10 सेवादार बार बार रोकते हैं, पर कई रोकद्या रोकद्या कहिंदिया कहिंदिया भी धक्के मत्था टेक जाते हैं। तो मैं तो स्टेज पर भी हरेक स्टेज पर बेनती करदा भी साध संगत जी नमस्कार गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों च करया करो, पर कई लोग यदा उल्ट प्रचार करते हैं। एक होर बेनती कहिंदे जी कलगी लाई जी इन्होंने गुरु गोबिंद सिंह बन गए, वो लग्या सी खंडा ते खंडे तो उन्होंने कलगी बनाती। तो मैं तो कल ये भी अर्ज की जिदन कलगी सिद्ध कर दे कोई भी इन्होंने कलगी लाई, मैं तो हैरान हाँ इदा का मीडिया इदा के लोग आ, मीडिया का फर्ज बनता सच बोलना। तो दास ये गल दावे कहिंदा महाराज हजूरी विच भी जे कोई उन्हें कलगी सिद्ध कर दे स्टेज पर चढ़ना ही बंद कर दे, आ कीर्तन बंद कर दूं जे उन्होंने कलगी कह दे भी इन्होंने कलगी लाई। इदा ही लोग गल्लां बनाई जांदे आ, इन्होंने इदा किया जी इदा किया जी, कोई कहिंदा जी इन्नी माया मंगी जी समागम दी, कहिंदे इन्ने लख चाहीदा ते फेर आवांगे। ते अज तक कोई भी एक प्रेमी तुहानूं हजारां समागम गुरु साहिब दी मेहर नाल होए आ, हजारां समागम
पर कदे किसे तो एक रुपए की भी मंग नहीं की जाती। कोई एक भी प्रबंधक तुसी लभ के लिया दे मेरे को ते उनु ए गल कह दे भी इन्हां ने साथों माया मंगी, अज तक नहीं कदे कोई मंग होंदी, अपनी मर्जी नाल संगत सेवा करती है। ते बाहर दी बाहर ही कोई गल्लां बनाई जावे वह गल वख। ते दास ने कल भी अर्ज की सी, अज भी मैं करदा कि कोई तुहानू मिलदा इस बारे गल करदा जां कोई